तो आइए आज लेशन वन में ये आज हम पढ़ा रहे हैं आपको लेशन वन बेसिक ऑटोमोबाइल्स ट्रेनिंग चैनल में आप लेशन वन समझ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे हीट इंजन के बारे में। देखिए हीट इंजन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल कम्बशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कम्बशन इंजन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर और इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो एक हुआ एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल मतलब कि फ्यूल का जो बर्निंग सिलेंडर में जो इंजन जो अपना होता है, इंजन में जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में जो फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर के बाहर हो तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर के बाहर हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और अगर फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हो तो उसको ऐसे इंजन को बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। एज पर एग्जांपल एक्सटर्नल कंबशन इंजन अब तो नहीं है, पहले जैसे कि पुराना स्टीम इंजन आता था, रेलवे का जो स्टीम इंजन आता था जिसमें अलग से कोयला बाहर से दिया जाता था, फ्यूल का जो बर्निंग था ना वो बाहर से होता था। तो पुराने जमाने में, पहले जमाने में जो स्टीम इंजन था एग्जाम्पल के तौर पर, स्टीम इंजन मतलब रेलवे का जो स्टीम इंजन है वो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन है, मतलब कि उसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर होता था। लेकिन अब का जितना भी गाड़ी आ रही है, जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, जितने भी कार हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बस ट्रक, जो भी गाड़ियाँ हो, सब का जो इंजन होता है वो इंटरनल कम्बशन इंजन। मतलब कि अभी की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, सारी गाड़ियों में जो फ्यूल का जो बर्निंग है वो सिलेंडर के अंदर होता है। अब आप आइए हम जानते हैं इंटरनल कंबशन के इंजन के बारे में। इंटरनल कंबशन इंजन के भी दो टाइप होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, पहले तो हम समझ में आ गया ना कि इंटरनल कंबशन इंजन किसको बोलते हैं, जो एक मिनट फ्यूल का बर्निंग इनसाइड ऑफ सिलेंडर, फ्यूल का बर्निंग जब सिलेंडर के अंदर हो, ऐसे इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, और फ्यूल का बर्निंग जब आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर हो, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं SI इंजन। क्या होते हैं SI इंजन? SI इंजन का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फ्रेंड्स देखिए, SI इंजन जो होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होते हैं, उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं 4-स्ट्रोक, एक होते हैं 2-स्ट्रोक और एक 4-स्ट्रोक। इसमें भी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में भी क्या होते हैं, 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक। अब देखिए ये SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए स्पार्क, एस नाम से क्लियर है, स्पार्क मतलब किसी भी चीज़ को हम करंट सप्लाई करते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि जैसे सपोज ये देखिए, ये मेरा एक, गौर से देखिए, ये मैं बना रहा हूं आपको सिलेंडर, मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ बस समझने के लिए, बस समझना है इस चीज को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ये यहाँ इस फिगर को समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है। देखिए यहाँ ये जो है, ये हमारा जो टोटली जो देख रहे हैं, ये हुआ सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये हुआ सिलेंडर क्लियर। और ये जो भाग जो देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं पिस्टन, क्या बोलते हैं, ये हो गया,
ये सिलेंडर, ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम पिस्टन। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लाइव भी दिखाएंगे, पार्ट्स को सामने में रख के आपको बताएंगे कि पिस्टन क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, फ्लाईव्हील क्या होता है, हर पार्ट्स का एक एक करके आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप बेसिक ड्राइंग करके ही आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये होता है, इसको बोलते हैं वाल्व। वाल्व जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनलेट, इनलेट वाल्व, और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। एक इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, और ये जो देख रहे हैं, ये जो तीन लाइनें जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन रिंग। क्या बोलते हैं? पिस्टन रिंग। और ये जो मिडिल, ये जो बीच में जो है लगा हुआ, इसे बोलते हैं हम स्पार्क प्लग। यहाँ हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पार्क प्लग। और ये जो देख रहे हैं, ये इस तरह का जो बना हुआ है, ये सारा चीज हम आपको लाइव दिखाएंगे, एक एक पार्ट्स को रख के आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले समझिए, इसको बोलते हैं हम क्रैंकशाफ्ट। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, कनेक्टिंग रॉड। ये क्या हुआ? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा जो होल है ना, उसको हम स्मॉल इंडाई बोलते हैं, और यहाँ एक होल होता है बड़ा सा होल, जो कि क्रैंकशाफ्ट में कनेक्ट रहता है। सीआर बेरिंग, जिसको कनेक्टिंग रॉड बेरिंग बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट रहता है ये क्रैंकशाफ्ट। और ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के जो बीच में जो पिन होता है, उसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन। इसको हम गजन पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन को हम गजन पिन भी बोलते हैं। और ये मेरा देखिए, ये जो देख रहे हैं ऐसे करके जो बना हुआ, इसको बोलते हैं हम क्रैंकशाफ्ट। क्या बोलते हैं? क्रैंकशाफ्ट। और ये मेरा हो गया फ्लाईव्हील। तो ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग आपको समझने के लिए बताया गया कि हर पार्ट्स का। ये देखिए, ये बीच में हो गया, ये इसको बोलते हैं हम स्पार्क प्लग। ये हो गया इनलेट वॉल्व, ये एग्जॉस्ट वॉल्व, ये हुआ पिस्टन, ये पिस्टन रिंग, ये पिस्टन पिन, गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, और ये फ्लाईव्हील। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम ये बता रहे थे कि स्पार्क इग्निशन इंजन किसे कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है, वो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि एक स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है सिलेंडर हेड में, और उसे क्या, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करके इसे इग्नाइटेड किया जाता है, इंजन को स्टार्ट किया जाता है, फ्यूल का बर्निंग किया जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो सब में पढ़ेंगे कि कैसे एक्सप्लोजन होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट कैसे होता है, वो सारा एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो क्लियर, आप अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा कि स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है, तो आप बता देना कि स्पार्क इग्निशन इंजन सर एक ऐसा इंजन होता है जो सिलेंडर के हेड में एक स्पार्क प्लग लगा होता है, जिसे हम एक इलेक्ट्रिक स्पार्क से उसको हम फ्यूल, इलेक्ट्रिक स्पार्क से फ्यूल का बर्निंग होता है, जो कि सारा शेड्यूल होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, हम अलग अलग बताएंगे आपको डिटेल में कि पेट्रोल इंजन। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा कि स्पार्क इग्निशन इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। और पेट्रोल इंजन में क्या लगा होता है कि सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग लगा रहता है। अब आप आइए कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना। कंप्रेशन इग्निशन इंजन को हम डीजल इंजन भी बोलते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है कि सिलेंडर के हेड में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है, उसके जगह लगा होता है इंजेक्टर। इंजेक्टर, सॉरी ये स्क्रीन थोड़ा सा, इंजेक्टर सब कुछ सेम है, बट यहाँ जो है ये स्पार्क प्लग के जगह पे क्या होता है, इंजेक्टर लगा होता है, और ये कंप्रेस, इंजन को कंप्रेस करके ये फ्यूल का इसमें बर्निंग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा ही इंजन पेट्रोल इंजन, ऐसा ही इंजन को हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को बोलते हैं क्या, डीजल इंजन। डीजल इंजन, ठीक है। तो क्लियर है, एक बार रिपीट कर लीजिए कि हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन के मेनली दो टाइप्स होते हैं,
होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब ये हुआ कि सिलेंडर का जो सिलेंडर में जो फ्यूल का जो बर्निंग है वो सिलेंडर के बाहर हो, फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर होता है, तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल मतलब बाहर। दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब ये हुआ कि सिलेंडर ब्लॉक में फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर में हो, ऐसा इंजन जहां फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर हो ऐसे इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होते हैं उसके एग्जांपल क्या है, स्टीम इंजन, पुराना जो रेलवे इंजन है जो कि कोयला से चलता था, ऐसे इंजन को हम लोग क्या होता था, स्टीम इंजन, ऐसे इंजन को हम क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, क्योंकि उसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर होता है। लेकिन अभी की जितनी भी व्हीकल्स है, जितनी भी मॉडर्न कार है, बाइक है, टू व्हीलर है, जो भी इंजन है, वो सारा इंजन इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर होता है। क्लियर। अब देखिए इसके मेनली हम जानेंगे इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ियां है ना, जितना भी व्हीकल्स है, सब इंटरनल कंबशन के अंदर ही आता है। अब इंटरनल कंबशन इंजन के भी दो टाइप होते हैं, क्या होते हैं, पहला होता है एसआई इंजन, दूसरा होता है सीआई इंजन। एसआई इंजन बोलते हैं हम स्पार्क इग्निशन इंजन को, सीआई इंजन का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन को कहा जाता है, पेट्रोल इंजन ही स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है डीजल इंजन। अब देखिए इसके भी दो, इस दोनों के दो दो टाइप्स होते हैं, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे, नेक्स्ट लेसन में वो आपको पता चल जाएगा, लिंक आएगा, देख लीजिएगा। दूसरा आप ये आइए कि इस डायग्राम को भी समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस डायग्राम को अच्छी तरह से अगर आप समझ गए तो आगे की वीडियो में भी आपको समझने में बहुत आसानी होगी, है ना। ये मेरा ये क्या हुआ, ये पूरा सिलेंडर हुआ, है ना, से सिलेंडर ब्लॉक, और ये इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। इसके बीच में जो ये देख रहे हैं इसको हम लाइनर भी बोलते हैं, ये लाइनर हुआ, और ये हुआ इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व जिसको वाल्व बोलते हैं। और बीच वाला जो भाग होता है एसआई इंजन में क्या होगा, सिलेंडर के हेड में स्पार्क प्लग लगा होगा, लेकिन लेकिन एसआई इंजन में, पेट्रोल इंजन में जिसको हम एसआई इंजन बोलते हैं, लेकिन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग के जगह क्या लगा होगा, इंजेक्टर लगा होगा, ठीक है, क्लियर। और ये क्रैंकशाफ्ट हुआ, ये कनेक्टिंग रॉड हुआ, ये क्रैंकशाफ्ट हुआ, ये फ्लाईव्हील हुआ, और ये जो तीन लाइनें हैं ये इसको हम बोलते हैं पिस्टन रिंग। तो धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसआई इंजन, क्या जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेसन टू में जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसआई इंजन। वर्किंग एसआई इंजन जो है, एसआई इंजन में वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वो काम करता है।